आज ब्रदर जी ने व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे किया जाता है मॉर्निंग में, इसके बारे में बताया, और मैं उसका जो अनुभव की और जो मुझे जो समझ में आया, जो पवित्र आत्मा ने जो मुझे समझाया, जो मुझे गाइडेंस दिया, जो ब्रदर जी के द्वारा बताया गया, मैं उसका अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले ब्रदर जी ने एक बीज बोने का दृष्टांत के बारे में स्टार्ट किया। जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि हमारे हृदय में होना चाहिए वो वचन। वो वचन हमारे हृदय में बसता है। कैसे बसता है? अगर हम लोग सच्चे हृदय से, अगर पवित्रता से वचन को अगर सच्चे मन से हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे हृदय में वचन नहीं बसेगा। वो जैसे बीज बोने का दृष्टांत में क्या, कुछ बीज रास्ते में गिरते हैं तो उसको पक्षियां आके चुन करके ले जाती है, और कुछ बीज पथरीले भूमि पर गिरते हैं, जो बीज पथरीले में भूमि में गिरते उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, तो वो बहुत जल्दी जब धूप और ये धूप होती है तो वो मुरझा जाते हैं, और जब अच्छी भूमि पर गिरती है वो फलवत होती है। तो वचन जो है उसे फलदायक बनाने के लिए, हमारे हृदय में फलदायक बनाने के लिए उस वचन को, हमारे हृदय को पवित्र होना चाहिए। ब्रदर जी ने इसके बारे में बताया। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब हमारा, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब वो वचन हमारे हृदय में आएगा, तो हम ईश्वर के पुत्र हो जाएंगे। क्योंकि इसका एक्सप्लेन भी ब्रदर जी ने किया कि जब वचन, वचन जब धरती पर आया तो वो एक मनुष्य बन करके आया, एक व्यक्ति है उसके रूप में आया। तो हमें वचन, मतलब वचन जो आया, जो यीशु मसीह आए उस धरती पर, जब इस धरती पर आए, इस संसार पर आए, तो एक वो व्यक्ति बन गए, मनुष्य का रूप धारण किए। और जब उत्पत्ति में भी जब हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर ने, जब मनुष्य को अपने रूप में बनाया है, हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जब वचन इस संसार में आया तो मानव का रूप धारण करके आया। तो ईश्वर का हम लोगों को बनाने का जो मकसद है, वो अपने जैसे, मतलब ईश्वर से मेल कराने के लिए, उसने मिलन कराने के लिए, वो ईश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया। किसी जानवर, किसी हाथी, बैल, बकरी, इनके जैसे नहीं बनाया, अपने साथ मिलन करने के लिए ईश्वर ने हम सभी को बनाया। इसमें ब्रदर जी ने व्यक्तिगत प्रार्थना, क्योंकि जब वचन कल भी हमने पढ़ा था, वर्ड जो शब्द था वो मानव का रूप धारण करके इस धरती पर आए, तो वही वर्ड, जो वही शब्द जब यहाँ पे आए तो मानव का रूप धारण किए, मानव का रूप धारण किए, तो वो एक व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के एक व्यक्ति होते हैं, एक त्रिएक परमेश्वर होते हैं, एक व्यक्ति है। तो प्रभु ब्रदर जी ने बताया व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे करना है। उसने उसका मती का अध्याय 6:6 में उसने कहा, सुसमाचार मती अध्याय 6:6 में, जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो अपने कमरे में जा करके द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमारा एकांत, कमरे में बंद करना, हम लोग रूम में चले जाते हैं और बंद कर देते हैं, और उसके बाद में वैसा प्रार्थना एकांत में कहीं अकेले प्रार्थना करने जाए, हम ये ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ही सोचते हैं। हम कैथोलिक कलीसिया, जितना विश्वास है, जितना वचन पर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, जितना हमारा नॉलेज नहीं रहता है, तो हम यही सोचते हैं। लेकिन ब्रदर जी ने ये बताया कि हमारा जो कमरा है वो हमारा हृदय है, हमारा हृदय है। तो अपने हृदय में हम जाएँ, जब हम प्रार्थना करने जाएं, तो हमारा हृदय में हम परमेश्वर को याद करें, और द्वार बंद करना, मतलब हमारे शरीर के जो अंग हैं, कान, आँख, मुँह, नाक, जो भी है, जो डिस्टर्ब करता है, जो हमारे मन है, जो हमें डिस्टर्ब करता है, जो प्रार्थना में एक परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए, जब भी आप लोग बैठे, आप लोग भी अनुभव किए हो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें नींद आती है, कोई चीज़ आज दिन भर में क्या बातें हुई या फिर कल क्या करना है, ये सारी चीज़ हमारे मन में गूंजते रहता है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए, यहाँ पर ये मतलब जो कमरा है हमारा हृदय है, और जो द्वार बंद करना है, हमारी जो आँखें, शरीर की जो अंग हैं, मन हुआ, हमारी आँखें हुए, हमारे कान, हमारे सोच विचार हुए, हमारा भटकना, इस सब को बंद करना है। लेकिन इसके लिए हम अपने से बंद नहीं कर सकते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है।
और हमें चुनना है। जब हम लोग सबसे पहले बैठते हैं तो जीसस खुद सुनना चाहता है, वो देखता है कि ये व्यक्ति मेरा बेटा मेरी बेटी वो किसे चुनती है, मुझे चुनती है या फिर संसार को चुनती है। अगर हम जीसस को चुनते हैं जब उसके पास बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमें अगर हम जीसस को चुनते हैं तो हमें जो द्वार बंद करना है, जो हमारे मन है, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारे कान है, जो मतलब जहाँ पर हम बैठे हैं एकत्रित करते हैं तो केंद्रित करते हैं, तो हमारे आसपास जो अगर रूम में घर पे रहते हैं या फिर कहीं पे रहते हो बहुत शोरगुल होते रहता है, बहुत हल्ला, बहुत आवाज़ें होती है, तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो हमें ईश्वर खुद देखता है कि ये मेरे साथ तो मन लगा रहा है लेकिन यह क्या संसार में है या फिर मेरे साथ है। तो हम लोगों को हम किसे चुनेंगे ये परमेश्वर देखता है। जब हम लोग बैठते हैं उसके पास प्रार्थना करने जाते हैं, हम जो कमरे में जाते हैं, हम हृदय से जब ईश्वर के पास कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, तो द्वार बंद करना मतलब उसको जब डिसाइड कर लिए कि हमें ईश्वर के साथ ही रहना है, तो हम यीशु को बोलें, परमेश्वर को बोलें कि मेरे मन को केंद्रित कर, मैं पूरी तरह से तुम आप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता, आप पे केंद्रित करना चाहता, जो भी डिस्टर्बेंस है उसको मेरे से उससे दूर हटा करके मुझे आपकी ओर ले चल। हमें ये इसको ले करके हमें प्रार्थना करना, सबसे पहले हमें जब प्रार्थना करना है व्यक्तिगत में प्रार्थना करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को अपने हृदय को शांत रखना है, अपने केंद्रित को। हम नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, जब तक जीसस नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। तो हमें जीसस को खुद बोलना है कि मैं आपको चुनता हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, और उसके बाद में हम जीसस को बोलेंगे कि वो केंद्रित करे, हमारे मन को स्थिर करे, हमारे जो मन बिचड़ता क्योंकि मन चंचल है, हमारे मन को केंद्रित करे, मन को स्थिर रखे, हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें, और उसके बाद में परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा चंगाई दाता है, तू ही मेरा जीवन दाता, जितना भी बाइबल जो अपने मन में आता है वो सारी चीज़ बोले। और उसके बाद में ब्रदर जी ने बताया सेकंड स्टेप में ऐसा, जब हम पूरी तरह से जब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तब हमारा मिलन जीसस से होता है। लेकिन उसके मिलन से पहले हम सांसारिक दुनिया से आए रहते हैं, शारीरिक दुनिया से आए रहते हैं, और जो जीसस हैं, जो पिता परमेश्वर, वो पवित्र 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 परमेश्वर है, तो हमें भी उसके जैसे पवित्र होना है। तो इसके लिए हमें क्या हम खुद से तो पवित्र नहीं हो सकते, इसके लिए एक बताया अंतिम भोज से पहले प्रभु ने पैर धोए थे, ब्रदर जी ने बताया। तो वो जो है पैर धोए थे मतलब हमारे जो मैल है, परमेश्वर ने वो जानते हैं कि हमारा जब मिलन होगा परमेश्वर से तो वो हमारा जो मैल है, हम पाप में जीवन जी के कोई सभी हम नहीं जानते, हम शुरू से ही हम पाप इस धरती पे पैदा हुए थे तो हम नहीं जानते कि हमने क्या किया है करके, तो उस पापों के लिए हम पछताव करें। उसमें एग्जाम्पल उसने ये यहाँ पे कब ये सारे चीज़ एग्जाम्पल दिया था, जब हम मिलते हैं तो मैल की वजह से एक चीज़ जब रहता है, किसी चीज़ को लाते हैं तो अगर उसके बीच में कुछ चीज़ें रहती हैं तो हम उसके साथ मिलन नहीं हो पाता है। जबकि मैं स्टार्टिंग में बताई कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि हम ईश्वर से, हमारा और ईश्वर का मिलन हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब ईश्वर से संगति करते हैं तो हम जीसस से मिलते हैं, परमेश्वर से मिलन हमारा मिलन होता है। तो वो एक व्यक्ति, हम उसके साथ जैसे ही प्रार्थना करते हैं, हम तो मिलन होने के लिए, हमारा उसके साथ मिलने के लिए हमारी लाइफ हमें पवित्र होना चाहिए। तो हम जितने भी पाप किए हैं, जितने भी गलतियाँ किए हैं, उसको पवित्र आत्मा को याद करने की शक्ति हमें मांगना है, परमेश्वर से मांगना है कि मैंने आज दिन भर में, मैंने आज के या फिर पुरानी लाइफ में मैंने क्या पाप किए हैं, क्या गलतियाँ की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसके लिए हम पछताव करेंगे, परमेश्वर से हम माफ़ी मांगेंगे। जैसे अंतिम भोज में जब प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे, तो जब जीसस खुद आए थे, हम वहाँ जाएंगे, जीसस के पास जाएंगे, वो पैर हमारे पैर धोना मतलब हमारे पापों को वो साफ कर देंगे, हमें धो देंगे। इसके बाद में परमेश्वर के दास ने बताया, जब अब खाली हो गया तो अब जैसे पाप खत्म, क्योंकि हमारा जो शरीर है जब हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं या जो भी करते हैं तो पूरा मैल जम जाता है, लेकिन उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाता है पूरा धुल जाता है। जब हम या तो एग्जांपल कपड़े को ले लो, जब हम कपड़े धोते हैं तो हम जब उसको धोते हैं साबुन वगैरह से धोते हैं तो पूरा वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, तो वैसे ही जब उसको फिर से पहनते वो होता है। तो फिर हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उस साफ कपड़े को लेकर के हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उस समय हम पवित्र हो, जिस तरह से कपड़े साफ हो जाते हैं उसी तरह जब हम पछताव करते हैं तो हमारी जिस तरह से कपड़े साफ है, हमारा हृदय हमारा मन साफ हो जाता है। उस समय पवित्र आत्मा, जो आत्मा से पहले जो पिता का आत्मा है, आत्मा से पहले हम क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा, वो पवित्र है। उसके बाद में जैसे हम पछताव करते हैं वैसे ही वो आत्मा
मतलब हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है और हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए उस समय हम रेडी हो जाते हैं और उस समय हम पवित्र आत्मा का गाना, उसकी स्तुति, कुछ भी करके हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में जैसे हम पापों की पश्चाताप करते हैं, फिर पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। हम ये पवित्र आत्मा के फल हैं, हम इसको मांग सकते हैं उस समय पवित्र। जब हम लोग, हाँ मैंने इसे एक पहले एक बात छोड़ दिया कि जब हम पापों की पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर से वहाँ पर जा करके हम अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को बोलते हैं, तो उस समय हम अगर किसी से हमारे पापों के किसी को हम माफ़ नहीं कर दिए हैं, किसी से हम गुस्सा रखे हैं, तो इसके लिए माफ़ करने के लिए भी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। तो हम लोगों को उसके लिए, और पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस करता है कि हमें, हमने कौन से अपने जीवन में गलतियाँ की है और कौन से हमारे, हम किसकी वजह से हम पीछे हैं, किसकी वजह से हम अपवित्र हुए हैं, किसकी वजह से हम गंदे हैं। ये पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। जब हम ये करने के बाद हम पवित्र आत्मा से जब हम इसके बाद में भरते हैं, हम माफ़ कर देते हैं सब चीज़ करने, जब हम पवित्र आत्मा के फलों से भरते हैं, ऑटोमेटिक हमारे जीवन से परमेश्वर का स्वभाव उमड़ते रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रथम फल क्या है? प्रेम। और वचन में क्या लिखा है? ईश्वर प्रेम है। तो यहाँ पर हम उसके प्यार से भर जाते हैं और उसके बाद में बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, उसके वरदान से भर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, सबको, हम लोगों को भी चाहिए बाइबल को समझने के लिए प्रज्ञा और बुद्धि की जरूरत, जो पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा के नव वरदान होते हैं, जो वरदान है हम ये भी मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा के प्रज्ञा और बुद्धि का वरदान है। उसके बाद में अन्य भाषा, जो टंग्स की लैंग्वेज है, ब्रदर जी भी बोलते हैं, यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं वहाँ से सुनते हैं, जो टंग्स की प्रार्थना है उसका अनुवाद करने का मन, हम लोग सुसमाचार का, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को बनाने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए और उसकी महिमा गाने के लिए और सुसमाचार, उसके वचनों को बताने के लिए और यीशु को प्रकट करने के लिए, यीशु को बताने के लिए बनाया है, तो उसकी घोषणा करने के लिए हम मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, हम चमत्कार दिखाने के, जैसे कल हम हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे द्वारा कोई हील हो रहा था, किसके बारे में हम पता, ये सारे वरदान हम मांग सकते हैं, हम कंटिन्यू ये कर सकते हैं। ब्रदर जी ने आज के सेशन में तीन पॉइंट पर बताया था। पहला था कि अपने आप पर, मतलब द्वार बंद करना, कमरे में जाना, द्वार बंद करना, और उसके बाद में पछताप करना, जो बंद करके पछताप करना, सब चीज़ हो करना, फिर पवित्र आत्मा से भरना, तीन टॉपिक पे उसने बताया था। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू।